बैंक की एग्जाम के लिए कितना टाइम देना चाहिए, 1 महीना 2 महीना या 1 साल या 2 साल, नहीं पता ना। इस वीडियो में आपको इसका आंसर मिलेगा, साथ ही साथ मैं इसका भी आंसर दूंगा कि किस तरीके से कुछ स्टूडेंट्स से 2 से 3 महीने में निकाल लेते हैं और कुछ 2 से 3 साल 4 साल लग जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं उनकी बात कर लूँ जिनको टाइम लगता है। देखो टाइम लगने की बहुत से रीजंस होते हैं, कुछ अपनी जॉब के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको टाइम लगता है, पर कुछ सीरियस नहीं है अपनी प्रिपरेशन को लेके, कुछ डीमोटिवेट हो गए अब कि यार पहला ही एग्ज़ाम नहीं निकला है। पर यार एक बात बताइए, इस साल का ये पहला एग्ज़ाम का रिजल्ट आया था ना, आप लोग क्यों डीमोटिवेट हो गए? आप ये सोचो ना, आप जब इस बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने क्या सोचा था? एक मंत्र कर लो, हम तब तक कोशिश करेंगे, तब तक डीमोटिवेट नहीं होंगे जब तक मेरी एज नहीं निकल जाती है। और सीरियस एकदम टॉप पे रहे, तुम एकदम सीरियस रहो अपनी प्रिपरेशन को लेके, ठीक है। मैं गारंटी कहता हूँ इस बार आरआरबी पीओ का जिनका पॉइंट से रह गया है प्री में या 1 मार्क से रह गया है, उनका अपकमिंग जो भी एग्जाम आने वाला है ना, लिख के ले लो इस वीडियो के बाद कमेंट सेक्शन में, तुम आके बोलोगे यस सर आई क्लियर माई एग्जाम डेफिनेटली, ठीक है। सबसे पहले आप सुनो, अपनी गलतियों को पहचानना सीखो। आप मॉक देने के बाद आप ऐसा क्यों करते हो दोस्तों, लैपटॉप तुरंत बंद कर देते हो? मॉक देने के बाद उसको एनालाइज करो, एक छोटी सी कॉपी लो, उस पर लिखो, रीजनिंग कॉलम बनाओ, क्वांट बनाओ, इंग्लिश बनाओ, उस पर लिखो कि मॉक वन में। सबसे पहले गलती ये भी करते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम मॉक देते हैं, आप दे दिया IBPS PO का, एक दे दिया IBPS क्लर्क का, पता ही नहीं चलता एनालाइज किसका करना है, किसका किए हैं एनालाइज पता नहीं चला। एक एग्जाम टारगेट कर रहे हैं IBPS क्लर्क, ठीक, IBPS क्लर्क में मॉक वन आपका आया, मॉक वन में आपने किन किन टॉपिक्स में, इंग्लिश में मान लीजिए पैरा जंबल आपसे नहीं बना, लिख लो कि पैरा जंबल नहीं बना था, उसी दिन पैरा जंबल के 20 से 25 सवाल लगा डालो, अर्थमेटिक में टाइम एंड डिस्टेंस के टाइम डिस्टेंस 25 क्वेश्चन लगा डालो, बॉक्स बेस पजल बना नहीं पाया, बॉक्स बेस के 10 सवाल लगा डालो, उसी दिन वो टारगेट कंप्लीट। देखो इम्प्रूवमेंट होगा दोस्तों, मेरे कहने का मतलब कॉपी बना ली, मॉक वन लिखा, रीजनिंग सेक्शन बनाया, क्वांट बनाया, इंग्लिश बनाया, मॉक वन में मैंने इस टॉपिक से ये चीज़ें नहीं कर पाए, उसी दिन बैठा सारा खत्म किया, सारा टाइम, एक मॉक दिया था, सुबह दिया था, पूरे दिन का मेरा टास्क बन गया। मैंने बात कही थी आप लोगों से कि टास्क का बनाओ, टास्क बनाने के लिए भी आपको कहाँ से मिलेगा टास्क, यहाँ से मिलेगा, मॉक से मिलेगा, आप मॉक से बनाइए आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से करिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज स्टूडेंट, जो लोग सीरियस हैं, इस तरीके से एक बार अपनी आप प्रिपरेशन करिए और आप 2 से 3 महीने के अंदर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपको मिलेगा रिजल्ट, ठीक है ना। सो कंक्लूजन में यही बोलना चाहूंगा, बैंक की प्रिपरेशन के लिए दोस्तों मात्र 3 महीना इज मोर देन सफिशियंट है, अगर आप सीरियस हैं तो, ठीक है ना। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, डिमोटिवेट फील करो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताया, उसका भी समाधान आपके सामने लेकर आएंगे। और बस यही कहेंगे आप लोगों से, मोटिवेट अपने आप को खुद रखो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। काफ़ी एक्टिविटीज़ करो, मोटिवेट रहो, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहो, ठीक है ना। और 100% कहें तुम्हारा बैंक का एग्जाम निकलेगा अगर तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो। टाइम मत वेस्ट करो सबसे पहले कि फलानी कंटेंट को कलेक्ट करने में, एक सोर्स को फॉलो करो और उसको तब तक फॉलो करो जब तक वो पूरा कंप्लीट ना हो जाए। लाइक गाइडली के पीडीएफ बंडल कोर्स की बात कर लेता हूँ, गाइडली का पीडीएफ बंडल कोर्स सबने परचेस किया होगा, आई होप सो किया होगा, नहीं किया होगा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। आप गाइडली का पीडीएफ कोर्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, 50 दिन का वो टारगेट पूरा तो करके देखो यार, मजा ना आए तो बोलना। अब सर आप कहते हैं मॉक दो, मॉक देने का जो टॉपिक्स रह गए ना, जैसे मान लो तुमने लिखा टाइम एंड बॉक्स बेस पजल नहीं बनी थी, तुमने कहां से मिलेगी? पीडीएफ बंडल कोर्स खोलो, वहां पे Ctrl+F करो, बॉक्स बेस पजल लिखो, टॉपिक आ जाएगा सीधा यार, सॉल्व करो बैठ के, 8 से 10 बॉक्स बेस पजल आ जाएंगी। नहीं आता समझ में तो बताओ, एक दिन तुम्हें हम लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके दिखा देंगे किस तरीके से सर्च करना है, ठीक। तो करो, ऑफकोर्स पूरी गाइडेंस आपको गाइडली के यूट्यूब चैनल पर मिल रही है, मीनाक्षी मैम आपको क्लास ले रही है, मेरी क्लास 9 बजे होती है, मेरी मेंस की, हम लोग मेंस को ज़्यादा फोकस करते हैं, अभी हम सोच रहे हैं कि प्री के लिए भी क्लासेस स्टार्ट करें। सो गाइस इसी तरीके से आप बने रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, पीडीएफ बंडल कोर्स परचेज करना चाहते हैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे गाइस।